समाजसेवी घुवारा वासियों ने ठंड को देखते हुए छतरपुर जिले की तहसील घुवारा नगर में गरीब परिवारों के बीच गर्म कपड़े बांटे। वहीं समाज सेवियों ने कहा कि असहाय लोगों की मदद करने से दिल को सुकून मिलता है, जनसेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि आगे भी जितना हो सकेगा लोगों की सेवा में योगदान देता रहूंगा। लोगों की सेवा करना जिंदगी का अहम हिस्सा है। इस बार सर्दी में संपन्न परिवार के लोगों के छात्र छात्राओं की हालत खराब है, तो ऐसे में सड़कों पर और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों की और उनके बच्चों की क्या हालत होगी। इसी दर्द को समझते हुए घुवारा निवासी समाज सेवियों ने संपन्न लोगों से जिससे जितना हो सके उतने पैसे इकट्ठे किए और गरीबों में गर्म कपड़े बांटने का जो काम किया है वह सराहनीय कदम है। हम सभी को गर्म कपड़ों का दान देकर गरीबों की मदद करनी चाहिए। यह बात समाज सेवियों ने नगर पालिका घुवारा तहसील थाना घुवारा चौकी में रखी, जिससे सभी इस बात पर सहमत हुए और समाज सेवियों को दिए सभी पैसे को लेकर गर्म कपड़े खरीदे और गरीबों के बीच वितरित किए। यह कार्यक्रम घुवारा की हायर सेकेंडरी स्कूल में रखा गया। घुवारा नगर वासियों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी लोगों को गर्म कपड़े वितरित कर कार्यक्रम में अपना सहयोग किया। वहीं इस आयोजन में क्षेत्रीय विधायक कुंवर प्रद्युमन सिंह लोधी ने कहा कि सभी छात्र छात्राएं मन लगाकर पढ़ाई करें, अगर पढ़ाई करने में कोई समस्या आए या बाधा आती है तो उनके लिए हम खड़े हैं। और आगे उसको काम करने का मौका भी मिलता है। आज के अवसर पर यहाँ पर जो गर्म कपड़े वितरण किए गए हैं, मैं पूरे समाज सेवियों को, यहाँ प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को और स्कूल के सभी स्टाफ को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे समय में आप लोगों ने ये गर्म कपड़े वितरण किए। ठीक। घुवारा से यूडी न्यूज के लिए किशन कुशवाहा की रिपोर्ट।